वक्त हो गया है 10 मिनट में 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने यूपी में शीला दीक्षित पर अपना दांव चल दिया है। यूपी चुनाव में शीला दीक्षित होंगी पार्टी का चेहरा। शीला के नाम पर शाम को औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। 4 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, उसमें शीला दीक्षित के नाम का ऐलान किया जा सकता है और तमाम जानकारी दी जा सकती है किस तरह से कांग्रेस अपने आने वाली चुनावी रणनीति को शीला दीक्षित के साथ आगे बढ़ाएगी। बतौर सीएम उन्हें प्रोजेक्ट करेगी और उन्हीं के नाम के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस की ओर से। ये बड़ा गेम प्लान कांग्रेस आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता सकती है, इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित हो सकती हैं कांग्रेस का नया चेहरा। आपको बता दें कि पहले भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस पर मोहर लग चुकी है। शाम 4 बजे इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस इस बात का ऐलान करेगी। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता है, सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहले भी कयास लगाए जा रहे थे, अब ऑफिशियल मोहर लग गई है, कांग्रेस आज शाम ऐलान कर देगी। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर सोनिया का ग्रुप हो और राहुल गांधी का जो ग्रुप है उसको लेकर के काफी आपस में माथापच्ची चलती रही है। इसीलिए पहले राजबब्बर का ऐलान किया गया, शीला दीक्षित के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अब ये माना जा रहा है कि जो सोनिया के करीबी नेता है उनका ये मानना है कि राजबब्बर भले ही एक चेहरा हो, लेकिन प्रशासक के तौर पर दिल्ली में जो शीला दीक्षित की छवि रही है उसको यूपी में भुनाया जा सकता है। जो पीके हैं प्रशांत किशोर, वो लगातार शीला दीक्षित के नाम पर अड़े हुए थे, जिसके बाद तकरीबन ये तय हो गया है कि शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, संजय सिंह जो कि अमेठी राजघराने से आते हैं और सांसद है वो इस समय असम से राज्यसभा के, उनको कैंपेन कमेटी का चेहरा यानी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाना है और इसका भी ऐलान आज शाम को 4 बजे हो सकता है। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण, मुस्लिम और राजपूत, इस समीकरण पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और आप कह सकते हैं जो प्रशांत किशोर की रणनीति है वही कांग्रेस आगे लेकर के बढ़ रही है। और कुमार, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव जो कैंपेन होगा उसकी अगुवाई करेंगी, उस बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया, उसे टाल दिया गया है। इसके चलते जो अब ये ऐलान किया गया है शीला दीक्षित को नाम को लेकर, क्या लगता है कांग्रेस का बड़ा गेम प्लान, एक बड़ा चेहरा? क्योंकि ये तो साफ था कि प्रियंका गांधी चुनाव खुद नहीं लड़ेंगी वहां पे किसी भी सीट से। ये देखिए, पूरी तरह से निराधार खबर थी कि प्रियंका गांधी कैंपेन कर मतलब पूरी तरह से चेहरा बनने वाली है। प्रशांत किशोर ने कोशिश की थी जिसको पहले ही प्रियंका गांधी नकार दिया। हालांकि मैं बड़ी खबर आपको ये बता दूं कि प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी के बाहर निकलेंगी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो जाएगा, चुनाव आयोग उसकी घोषणा कर देगा, उसके बाद प्रियंका गांधी की भूमिका सामने आएगी। लेकिन वो भूमिका बहुत बड़ी नहीं होगी, पर्दे के पीछे से रोज ज्यादा काम करेंगी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो रैली होंगी उसमें प्रियंका गांधी मौजूद रह सकती है, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्रियंका का नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि प्रियंका गांधी उनका सिर्फ कैक्का है जो कि 2019 में इस्तेमाल होगा और यूपी चुनाव के बाद प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका पार्टी के भीतर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अब इस खबर पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है। शाम 4 बजे औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि बतौर सीएम कांग्रेस का चेहरा होंगी शीला दीक्षित। वक्त हो गया है 10 मिनट में 50 खबरों का।